हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे राजमा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक पेस्ट, प्याज, ये दो बड़े प्याज हैं जिसे हमने चॉप कर लिया है, हम डालेंगे जिंजर। आप चाहें तो जिंजर का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। दो से तीन तेज पत्ता। अब इसे अच्छे से सौते कर लेंगे। अब हमारी प्याज अच्छे से भुन चुकी है, इसमें हम मसाले मिलाएंगे। इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें मिलाएंगे टमाटर, टमाटर को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा नमक, नमक डालकर टमाटर को मिला लेंगे, जिससे टमाटर जल्दी गल जाएंगे। टमाटर को अच्छे से गलने तक हम पकाएंगे। अब टमाटर अच्छे से मैश हो चुके हैं, तो हम इसमें मिलाएंगे राजमा। राजमा हमने पहले ही बॉईल कर लिया था, थोड़ा नमक मिलाकर इसे चला लेंगे एक बार अच्छे से। अब हम इसमें राजमा का पानी डालेंगे, जिस पानी में हमने राजमा को बॉईल किया था वही हम यूज़ करेंगे यहाँ। इसे चला लेंगे एक बार अच्छे से। और अब इसे ढक देंगे और 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट बाद ढक्कन हटाकर राजमा को चला लें और दोबारा ढक्कन ढककर 4 से 5 मिनट तक पकाएं। गैस को थोड़ा लो कर दें। अब दोबारा 5 मिनट हो गए हैं, तो ढक्कन हटा के देख लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और इसे अच्छे से मिला लें।
गरम मसाला डालकर 2 मिनट तक और पकाएं। अब हमारा राजमा बन चुका है, इसमें डालें कटा हुआ हरा धनिया। और अब राजमा को गैस से उतार लें। अब हम राजमा में तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हम एक पैन ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे घी, इसमें हम थोड़ी सी हींग डालेंगे, जीरा। जब आपका तड़का थोड़ा पक जाए तो इसे हम डालेंगे राजमा के ऊपर। आप तड़का लगा के अगर राजमा बनाएंगे तो उसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल।